बाबा रो परचा अच्छा है मन ठीक कर या नब्बे से 95% आदमी के इम्प्रूवमेंट देखा गया। उनके बाद में हमारे गांव के एक जो सज्जन थे उनको लकवा हुआ, तो उन्होंने यहाँ आके 7 फेरी दी लगातार 7 दिन तक, तो उससे उनको लाभ मिला। मेरा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट बाजू काम नहीं करता था, तो इसलिए मेरा बिल्कुल वर्किंग जो है करीबन 95% ओके। लकवा ये कोई आम बीमारी नहीं है और इसके ठीक होने की संभावनाएं सही उपचार, सही दवा, मरीज की मनोदशा या और भी बहुत सारी स्थितियों पर निर्भर करती है। लेकिन कोई आपसे ये कहे कि किसी धाम में जाकर ये बीमारी अपने आप ठीक हो जाती है तो ये मान लेना बहुत ही मुश्किल होगा। एक ऐसी जगह जिसका हर कोना दर्द और उम्मीद से भरा हुआ है, जहाँ के लिए बताया जाता है कि एक बाबा का ऐसा चमत्कार है जो किसी की भी तकलीफ को हर सकता है। लेकिन जो बताया गया है वो चौंका देने वाला ज़्यादा है और यकीन करने वाला कम, इसलिए नगरी मीडिया की टीम ने वहाँ पहुँचकर इस रहस्य का पता लगाने की कोशिश की। एक ऐसा मंदिर जहाँ पे फेरी लगाने मात्र से आपकी सभी बीमारियां दूर हो सकती हैं, क्या ये एक चमत्कार है? नमस्कार, मैं अभिजीत और आप देख रहे हैं द नगरी न्यूज़। जयपुर से 250 किलोमीटर की दूरी पर हम आ गए हैं राजस्थान के नागौर ज़िले में, जिसके लिए कहा जाता है कि यहाँ की मिट्टी में एक चमत्कारी ताकत है, जिसकी मिट्टी से या जिसके चमत्कार से लोगों के और भक्तों के कष्ट दूर हो जाते हैं, उनकी बीमारियाँ दूर हो जाती हैं। तो क्या है इस चमत्कार का रहस्य और क्या है इसके पीछे की हकीकत, ये जानने के लिए हम आ गए हैं नागौर के बुटाटी धाम में। नगरी मीडिया की टीम वहां पहुंची तो देखा कि किसी चमत्कार की आस में सैकड़ों की तादाद में मरीज और भक्त बुटाटी धाम पहुंचे थे। ये जो इतने सारे लोग आप देख रहे हैं ये सभी लकवे के मरीज हैं और इन सभी ने देश के अलग अलग डॉक्टरों से इलाज कराया है और ये देश के अलग अलग कोने से यहाँ पर आए हैं, लेकिन किसी तरह का सही इलाज नहीं होने पर या किसी तरह का फ़ायदा नहीं मिलने पर ये अंतिम सहारे के लिए आ पहुँचे हैं बुटाटी धाम, जहाँ के लिए कहा जाता है कि यहाँ पे 7 दिन रहने और बाबा की फेरी लगाने मात्र से लकवा सही होने लगता है। तो आज नगरी मीडिया की टीम के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं और ये देखेंगे कि यहाँ पे सही में ऐसा होता है या फिर ये एक कोरी कल्पना है। बताया जाता है कि बुटाटी धाम में सुबह की आरती में जो मौजूद हुआ उसके आधे कष्ट मानो वही कम हो जाएंगे और शायद यही वजह थी कि सुबह 5:30 बजे की आरती में भक्तों की बहुत भारी संख्या में भीड़ मौजूद थी। धाम की हर एक तस्वीर चौंका देने वाली थी क्योंकि वहां कई ऐसे मरीज पहुंचे थे जिन्हें सीधा अस्पताल से बुटाटी धाम लाया गया था। कहां से आए हैं सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश कुमार जैन है, मैं रहने वाला निवासी मित्रपुरा का है और मित्रपुरा के ये हैं। क्या लगते हैं ये आपके? ये मेरे पिताजी हैं। पिताजी लगते हैं, क्या समस्या है पिताजी को? ये अचानक लकवा आ गया, दोनों एक हाथ और एक पैर रह गया। अचानक आया, कितना टाइम हो गया लकवा आए हुए? 3-4 रोज पहले। 3-4 रोज पहले आया है? हाँ, और मुंह की आवाज़ बंद हो गई इनकी। तो डॉक्टर को किसी को दिखाया या फिर? महात्मा गांधी हॉस्पिटल में गए थे हम। तो क्या बताया डॉक्टर ने? ये बताया भाई इनका तो कोई इलाज नहीं है। इनका कोई इलाज नहीं है, भर्ती करा दो, वैसे बेड रेस्ट पर डाल दो, बस कुछ नहीं करते हो। तो यहाँ के लिए किसने बताया आपको बुटाटी धाम के? 5-10 लोगों ने वहीं से राय ली हमने, सबने यहीं के लिए बोला। फिर हमने SMS में गए तो वहाँ भी कुछ ट्रीटमेंट में हमें कुछ राहत महसूस नहीं की।
एसएमएस में भी कोई राहत महसूस नहीं हुई। फिर मालवीय नगर, उसमें जब मालवीय नगर जो प्राइवेट हॉस्पिटल है ना, जीवन रेखा हॉस्पिटल का वो डॉक्टर है पाटोदी, उनके गए तो उनसे भी कुछ मालूम पड़ा, भाई वहाँ भी धाम है। तो यहाँ आस्था का डॉक्टर ने भी आपको रिकमेंड किया कि आप वहाँ जा सकते हैं। हाँ, और कब आए हैं आप यहाँ? तो रिकवरी करा के यहीं एडमिट करा लो। अच्छा, ऐसा बोला उन्होंने। तो कब आए आप यहाँ पे? हम आए थे कल। कल आए हैं? आज सुबह आए हैं। अच्छा, आज सुबह ही आए हैं। कल रवाना हुए थे 3 बजे की रात को। अच्छा अच्छा, आप यहाँ जाके पहुँचे हैं सुबह 7:30 बजे के। कितने बजे आ गए थे? तो अभी कितने दिन रहने वाले हैं आप यहाँ पे? यहाँ रुकेंगे 7 रोज। 7 रोज रुकेंगे। जैसा कि बताया जाता है कि 7 दिन में यहाँ फ़ायदा दिखता है, तो आप भी इस उम्मीद से आए हैं कि आप 7 दिन रुकेंगे तो इनको वापस अपने पैरों पर लेकर के जाएंगे। पैरों पर लेकर जाएंगे, उम्मीद तो यही है भाई। इनसे आस्था है ईश्वर से, भाई इनकी मनोकामना पूरी हो जाए और ये चल फिर सके, अच्छी बात है। बुटाटी धाम के अध्यक्ष देवेंद्र सिंह बुटाटी से जब नगरी मीडिया ने बात की तो उन्होंने बताया कि एक बाबा का ऐसा चमत्कार है जो हर मरीज की पीड़ा को हर लेते हैं। उन बाबा को प्राप्त सिद्धियों की वजह से ही लकवाग्रस्त मरीज अपने पैरों पर खड़ा हो पाता है। देवेंद्र सिंह बुटाटी, बुटाटी धाम मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष। संत चतुर्दास जी महाराज मंदिर बुटाटी धाम आज विश्व में लकवाग्रस्त मरीज जो पीड़ित व्यक्ति है उसके लिए यहाँ पर आने का और उनके 7 दिन रहने पर वरदान के रूप में उनको कुछ ना कुछ लाभ अवश्य मिलता है। महाराज जी का जन्म बुटाटी धाम गांव में ही हुआ था, लगभग आज से 298 वर्ष पूर्व। महाराज जी ने जो बुटाटी धाम के गांव के अंदर जो एक मंदिर है 4 बजनाथ जी का, वहाँ पर उनके पीढ़ियों से सेवा काल करते आ रहे थे उनके परिवारजन। उन्होंने स्वयं ने भी यहाँ पर सेवा दी और उसी समय उनको एक सत जगा कि मुझे कोई ना कोई एक तीर्थ यात्रा करना चाहिए। तो वो तीर्थ यात्रा के लिए गंगा जी की ओर निकले और काफ़ी समय बाद में वो वापस बुटाटी धाम आए। उनके नाम से उनके स्वयं की पैतृक जमीन 700 बीघा थी, वो उन्होंने सबसे पहले आके 4 बजनाथ मंदिर को डोनेट कर दी, जो आज भी है। और उसके बाद में जो ये आप जहाँ एक भव्य मंदिर देख रहे हैं, इस जगह पे एक खेजड़ी का पेड़ था, उसके नीचे आके उन्होंने यहाँ पर तपस्या करी और तपस्या करने के दौरान ही उन्होंने यहाँ पे जीवित समाधि ली। फिर धीरे धीरे यहाँ पर जो हमारे गांव के जो प्रमुख लोग थे उन्होंने एक चबूतरा बना दिया उनके ऊपर और धीरे धीरे यहाँ पे पूजा पाठ करने लग गए गाँव के ही जो किसान भाई थे उधर के। तो उनके बाद में हमारे गाँव के ही एक जो सज्जन थे उनको लकवा हुआ, तो उन्होंने यहाँ आके 7 फेरी दी लगातार 7 दिन तक, तो उससे उनको लाभ मिला। ऐसे करके एक हमारे महाजन परिवार था हमारे गांव का, उसको लकवा हुआ, उसने आके यहाँ पे फेरी दी तो उसको भी लाभ हुआ। इसी सोनी समाज के एक हमारे बुजुर्ग थे, उनको लकवा हुआ, वो भी आके यहाँ फेरी दी, वो भी ठीक हो गए। इस प्रकार जब गाँव वालों को पता लगा कि लकवा पीड़ित मरीज इस स्थान पर आता है, 7 दिन फेरी देता है, तो उसको स्वास्थ्य में लाभ मिलता है, तो धीरे धीरे गांव वालों ने यहाँ पे एक छोटा सा चबूतरा था उसको एक छोटे मंदिर का रूप दिया। और फिर जैसे जैसे आसपास के जिलों में, आसपास के गांव में खबर पहुँची, तो वैसे वैसे लोग यहाँ पर आके अपनी फेरी लगाने लगे, उनको कहीं ना कहीं स्वास्थ्य का लाभ मिला। और जो भी आप निर्माण देख रहे हैं, जितना भी आप ये भव्य मंदिर देख रहे हैं आप, ये सभी श्रद्धालुओं के द्वारा बनाया गया है। श्रद्धालु जैसे ठीक होते गए वैसे वैसे अपनी मन्नत के हिसाब से वो लोग अपना यहाँ काम कराते गए और आज भी निरंतर उन्हीं के सहयोग से ये कार्य चलता है। मंदिर ट्रस्ट जो भी वहाँ से दान से प्राप्त जो हमारे को पैसा मिलता है उसको उन्हीं की सुख सुविधाओं के लिए निरंतर खर्च करता आ रहा है। और यहाँ पर जो भी आता है उसको हर चीज़ निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। जैसे 7 दिन उसको रहना है तो रहने के लिए बिस्तर, व्हीलचेयर, स्ट्रेचर, छड़ी, बर्तन और भोजन की व्यवस्था, ये सब मंदिर ट्रस्ट निःशुल्क करता है। और ये सभी पैसा जो हमें मिलता है इस संचालन के लिए वो दानदाताओं के द्वारा ही मिलता है। सबसे पहले जो भी कोई बीमार व्यक्ति है 7 दिन रहना चाहता है, उसको आके यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है, 7 दिन के लिए वो यहाँ रह सकता है। 7 दिन का रजिस्ट्रेशन होता है, जितने संख्या में लोग आए उनकी संख्या के हिसाब से एक पर्ची बनती है, उसी के हिसाब से उसको बर्तन, बिस्तर और भोजन की व्यवस्था होती है। सुबह शाम उसको आरती में बैठना है, आरती के पश्चात उसको मंदिर में जाके एक फेरी लगानी है और धुने से बबूती लेनी है।
भभूति लेना आवश्यक है। भभूति लेने के बाद में जिस स्थान पर उसको पीड़ा है, जिस स्थान पर उसका तकलीफ है, उस स्थान पर लगाना होता है। ये निरंतर प्रक्रिया उसको 7 दिन करनी होती है, और निश्चित ही 7 दिन जब वो करता है तो उसको कुछ ना कुछ जरूर उसमें बदलाव मिलता है। आपने देखा होगा यहाँ हजारों लोग आज बैठे हुए हैं और निरंतर रोज आते भी हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिन्होंने ठीक होने के बाद में महीने में एक बार फेरी देने के लिए अवश्य यहाँ पर आते हैं। तो 7 दिन वो रहना है, फेरी देनी है, भभूति लेनी है। ये निरंतर करने के बाद में वो निश्चित रूप से उसको कहीं ना कहीं लाभ अवश्य मिलता है। धाम में लगभग 2,500 से 3,000 लोग हर दिन मौजूद होते हैं, और उन सभी के लिए भोजन वहीं बनता है और निशुल्क दिया जाता है। भोजन का समय हो गया है और आप देख सकते हैं कि लोगों की कितनी लंबी लाइन लगी हुई है यहाँ पर। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूँगा कि एक बार दिखाएं कि कितनी लंबी लाइन है और लोग किस तरीके से हाथ में थाली लेकर के लाइन में लगे हुए हैं। और हम बात करते हैं जो यहाँ पर जो खाना परोस रहे हैं और जो सर्व कर रहे हैं इनसे कि किस तरीके से कैसे चीज़ों को करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा गजेंद्र सिंह नाम है। गजेंद्र जी, कितने लोग एक बार में मतलब यहाँ पे खाने का जो होता है वो बनता है, एक बार में कितने लोगों का खाना बनता है? सभी का साथ में बनता है लगभग 3,000, 2,500, 3,000 के। 2,500, 3,000 लोगों का खाना एक बार में बनता है, तो कितना टाइम लग जाता है खाना बनने से लेकर के इनको सर्व करके खाने में? करीब करीब 2-2.5 घंटे लगते हैं बनाने में। बनाने में 2-2.5 घंटे लगते हैं? सर्व करने में 1 घंटा के लगभग लगता है। 1 घंटे के लगभग सर्व करने में लगता है। तो मैं जानना चाहूँगा कि यहाँ पे जो लोग हैं, जो मरीज जो आते हैं या और भी भक्त लोग जो आते हैं, क्या वो भी साथ में लग जाते हैं खाना बनाने में, या फिर आप लोग के कार्यकारिणी सदस्य हैं वही लोग करते हैं? नहीं, हमारे जो भी यहाँ आते हैं ये यात्री, तो वो भी सहयोग करते हैं। यात्री भी सहयोग करते हैं? उनका भी सहयोग रहता है, हमारे कर्मचारी भी रहते हैं और उनका सहयोग भी रहता है। जो भी आते हैं भक्त लोग, तो वो भी बनाने में हमारा सहयोग करते हैं। तो देखिए कि यात्री और जो भक्त लोग आते हैं वो भी बनाने में इनका सहयोग करते हैं, और इस तरीके से इतनी लंबी लाइन रहती है। इन्होंने बताया कि 3,500 लोग लगभग एक बार में खाना खाते हैं, और 2.5 से 3 घंटे खाना बनाने से लेकर के खाना खाने तक में लगता है। यकीन करना तो बहुत मुश्किल था कि जो दावे हमसे किए जा रहे हैं आखिर उनमें कितना दम है, लेकिन जितना हमारी आंखें और कैमरा देख पा रहा था उससे इतना तो पता चला कि इस धाम में कुछ तो है, कुछ तो है जो लकवे के इन मरीजों को अपनी ओर खींच लाता है। जन जन करता, पहले बीटा भी इनकी कमी थी नहीं, फिर बाद में घोड़े दवाई डॉक्टर ने बंद कर दी, 15 सुई लगाई दी, उनके बाद भी नहीं गए, नहीं गए। बाद में बहुत जन 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 करे, हमने घोड़े दवाई ले ली, नहीं फर्क पड़े। जब मैं कौन बाबा जी रहे बुटाटी के लिए, किसने बताया आपको क्या रहा कि भाई बुटाटी आना? फोन में देख कर आए। तो किस तरीके का, क्या कुछ आराम मिला है आपको या क्या? आराम मिला है। क्या लगता है मतलब क्या कोई पावर है या क्या चमत्कार है या किस वजह से आपको ये आराम मिला जो कि डॉक्टरों ने भी नहीं मिल पाया वो यहाँ करके मिला? बाबा परचो हाथो है मन ठीक करिया। आपका क्या नाम? मेरा नाम देनुलाम है, मैं आसाम से हूँ। आसाम से आए हैं आप? मेरा YouTube चैनल का मार्फत से मैं आया हूँ। YouTube चैनल से आपने देखा, किसको तकलीफ है आपके परिवार में? मेरा बच्ची है एक, छोटी सी है, वो 21 साल का है। 21 साल की बच्ची है? बच्ची है, वो पैदा से ही लकवा है। अच्छा, उसको पैदाइशी लकवा है, तो 21 साल की बच्ची, उसको आप यहाँ ले गए। कितना समय हो गया है यहाँ पे आए? हम 2 दिन हुआ है, कल सुबह आप पहुँचे यहाँ पे। 2 दिन हुआ है, तो कुछ लग रहा है आपको, कुछ फायदा है या कुछ? अभी थोड़ा सा 2 दिन हुआ है, इतना तो हमको ख्याल नहीं आ रहा है। बच्ची ऐसे भी ये करती है, हिलती डुलती है, चलती नहीं, बोलती नहीं, खाली वो प्रॉब्लम है मेरा। 2 दिन ही हुए हैं और आपको हो सकता है कि ज़्यादा भी रुकना पड़े क्योंकि वो बचपन से समझते हैं। मेरा ख्याल से ज़्यादा रुकना पड़ेगा होगा, तो फिर ज़्यादा रुकने से थोड़ा कुछ हो जाएगा। क्या लगता है, कुछ है आपको उम्मीद है कि सही हो जाएगी औरों को देखते हुए? कैसा एनवायरनमेंट? सबको दिख रहा हूँ, सबका हो रहा है, सबको पूछ रहा हूँ सबका हो रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है। आज भी एक गया, वो बहुत ऐसा मतलब लाया था कि बेहोश ऐसा लाया था, तो आज थोड़ा चल के हो गया है, ऐसा दिखाई दे रहा है, सब कुछ हो रहा है। ऐसा बात नहीं है कि नहीं हो रहा है, यहाँ धरती माता का ये शक्ति है, यहाँ पे
भुट्टाटी धाम में चतुर्दशी महाराज जी का इनका शक्ति है उनका, ये हमने सुना है यूट्यूब चैनल से, तो हम वही बता रहे हैं, तो उसका मार्फत से हम आया है। कब से, कितना टाइम हो गया यहाँ? ये आया 6 दिन हो गए। 6 दिन हो गए, क्या तकलीफ थी आपको पहले? ये पैर हाथ पग दुखता पग। अच्छा, तो अभी कुछ आराम मिला है? हाँ, फुल अभी तो मिला। तो किसने बताया यहाँ भुट्टाटी धाम के लिए आपको? कटे नहीं, अटे जाया बस। अच्छा, इधर ही आए हो, तो पहले कहीं इलाज करवाया था, किसी डॉक्टर को दिखाया था? नहीं, सीधे इधर ही आए हो। अगर मंदिर की बात की जाए तो मंदिर के अंदर लगभग 1000 लोगों के रहने की व्यवस्था की गई है, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको मंदिर में ना रह कर के कुछ अलग से कमरा चाहिए या रूम की सर्विस चाहिए, तो ऐसी भी सेवाएं लोग यहाँ दे रहे हैं। हम खड़े हैं यहाँ पे द्वारका गेस्ट हाउस में, जो हर तरीके की सेवा यहाँ पे कर रहे हैं, और कमरे से लेकर के खाने पीने तक की सारी व्यवस्था इन लोगों ने यहाँ पे की हुई है, और वो भी बहुत ही नॉमिनल चार्ज पे। आज हमारे साथ मौजूद है द्वारका गेस्ट हाउस के ओनर, आइए इनसे बात करते हैं। क्या नाम है सर आपका? विक्रम सिंह नाम है सर। विक्रम जी, आप ये सारी सेवा दे रहे हैं गेस्ट हाउस, आपके साथ साथ और भी बहुत सारे हम देख रहे हैं, तो क्या एजेंडा है और किस तरीके से ये चीज़ें चल? बिल्कुल नॉमिनल रेट पे हम रूम देते हैं, और एसी रूम भी है, कूलर रूम भी है, और दो समय आरती में जाना होता है, सवेरे तो 5:35 पे आरती होती है और शाम को 7 बजे के आसपास सूर्यास्त के बाद आरती होती है, तो उसका सूर्यास्त का टाइम आगे पीछे होता है, तो आरती का समय भी आगे पीछे होता है, और मजबूत मन में मजबूत आस्था के साथ में बंदा आता है तो 100% इम्प्रूवमेंट लेके जाता है, मतलब 7 दिन में 80% तक इम्प्रूवमेंट लोगों का देखा गया मैंने। मतलब मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा, यहाँ इतने लोग आते हैं तो क्या परसेंटेज रहता है कि कितने लोग यहाँ आते हैं और कितने सही होकर के जाते हैं, और कितने लोग को निराशा का सामना करना पड़ता है? 90-95% आदमी के इम्प्रूवमेंट देखा गया। इम्प्रूवमेंट के परसेंटेज उसका एज फैक्टर, उसका प्रयास, उसकी मन में आस्था, मन मजबूत तो तन मजबूत, मजबूत मन के साथ परिक्रमा दे तो 100% इम्प्रूवमेंट आएगा। इसका एक और कारण मैं जानना चाहूँगा कि आस्था के साथ साथ क्या कोई और भी कारण है जिसमें ये मतलब डॉक्टर वो सही नहीं कर पाते, अपने घर में वो इलाज नहीं मिल पाता, लेकिन यहाँ पे आने पे क्या वो सिर्फ चमत्कार ही है या किसे कुछ और भी नाम दिया जाएगा? ये चमत्कार ही कह सकते हैं आप। अगर वो हिंदू धर्म में हिंदू देवी देवता के प्रति आस्था होती है, आस्था से मन मजबूत होता है, अरे मजबूत मन के साथ में अगर वो परिक्रमा करता है तो इम्प्रूवमेंट आता है 100%। अगर आपको विश्वास नहीं हो तो पेशेंट यहाँ आके देख ले, मतलब 100% इम्प्रूवमेंट आएगा। तो इम्प्रूवमेंट की बात आपने जैसे बताई, तो इसके अंदर हम ये जानना चाहेंगे कि क्या विल पावर का भी इसके अंदर कुछ योगदान रहता है, क्योंकि घर पे हम एक कम्फर्ट जोन में रहते हैं, जितना मैं आज यहाँ घूम करके समझ पाया हूँ कि लोग जो है कि व्हीलचेयर से उतर के परिक्रमा दे रहे हैं, व्हीलचेयर से उतर के ही आपको आरती में शामिल होना है, ये सारी नियम वहाँ पे लगाए हुए हैं, तो इनका भी कुछ एक योगदान? कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं यहाँ पर, जैसे धूप उसको दिन में 2 बार लगेगी, आएगा जाएगा, विटामिन डी उसको मिलेगा नर्व के अंदर, तो नेचुरली कुछ चीज़ें अपने आप मिल जाती जाने अनजाने में, पर वो चीज़ डाइट इंडाइट वो पक्का अंदर काम करती है बॉडी के अंदर। और ये मैं तो खुद आश्चर्य करता हूँ कि ऐसा हो कैसे रहा है, मतलब जहाँ साइंस को अपन नकार नहीं सकते, लेकिन यहाँ देखते हैं तो ऐसा लगता है कि साइंस से पूरा ट्रीटमेंट लेके इम्प्रूवमेंट नहीं ले पाए वो, यहाँ वहाँ 10 दिन बढ़ते रह गए इम्प्रूवमेंट नहीं ले गए, वो 7 दिन के अंदर उसे कई गुना इम्प्रूवमेंट ले लेते हैं। इसका प्रमुख कारण आस्था, आस्था के साथ मन मजबूत, मन मजबूत के साथ परिक्रमा तो तन मजबूत, मजबूत मन से तन मजबूत। और वो हॉस्पिटल के अंदर बंदा चारपाई पर लेटा हुआ रहता है, जो वो चारपाई धूप देखता नहीं है, खाली दवाई गोली से पैरालाइज ठीक होने वाला नहीं है, तो वहाँ से इम्प्रूवमेंट होता नहीं है। ठीक है, जीवन रक्षक दवाई है, कुछ जरूरी है, ऑक्सीजन है,
एक बार जरूर ले ली, उसके बाद में आप तुरंत बुटाटी धाम आ जाओ और पक्का आपके इम्प्रूवमेंट आएगा। ये है वो 400 साल पुराना इतिहास समेटे बाबा चतुर्दास जी महाराज का समाधि स्थल, जिनके लिए कहा जाता है कि जिन्हें एक सिद्धि प्राप्त है और इन्हीं की सिद्धि की वजह से सभी भक्तों के कष्ट दूर होते हैं और सभी मरीजों की जो तकलीफ है उसमें आराम आता है। तो आइए हम आपको दिखाते हैं कि बाबा चतुर्दास जी महाराज का समाधि स्थल। और फिर जल्द ही हमारे सामने एक चौंका देने वाली तस्वीर आई। यूपी से आए चंद्र धाम में 6 दिन बिताने के बाद अगले दिन लौटने की तैयारी कर रहे थे। मुरादाबाद से हमारे साथ यहाँ पे जो मरीज आए हुए हैं चंद्र जी, वो हमारे साथ हैं। एक बार इनसे बात करते हैं कि किस तरीके से इनकी रिकवरी हुई है और कब से ये यहाँ पे आए हुए हैं। चंद्र जी, सर जी मैं बहुत अच्छी तरीके से मेरा ट्रीटमेंट हो गया है यहाँ पर, बिल्कुल बाबा जी की इतनी मेहरबानी, इतनी कृपा है, उनका इतने आशीर्वाद है कि मैं बिल्कुल फिट हो गया हूँ। तो कब आए थे आप यहाँ पर? सर जी मैं आया हूँ 1 सितंबर को। 1 सितंबर को आप यहाँ पे आए? 7 डे रहना है इधर और मेरा कल लास्ट डे है। तो किस तरीके से रिकवरी हुई? आप आए थे तो क्या समस्या थी और अब कितना आपको रिलीफ? सर मैं मेरा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट बाजू काम नहीं करता था, तो इसलिए मेरा बिल्कुल वर्किंग जो है करीबन 95% ओके। लेफ्ट हैंड और लेफ्ट बाजू आपका बिल्कुल वर्क नहीं कर रहा था और वो अब ठीक से काम करने लग गया है? क्या कारण है इसका कि मतलब किस तरीके से आपको चीजें रिकवरी में क्या क्या चीजें आपके सामने आई, क्या सामना करना पड़ा, किस तरीके से? सर मुझे कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है, हर तरह की फैसिलिटीज है और सबसे बड़ी चीज है कि अब बाबा का जो वो ढूंढना है उसमें नारियल चढ़ाते हैं उसकी कोई विशेषता है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा ये बता रहे हैं कि बाबा की धुनी में जो नारियल चढ़ाया जाता है उससे जो भभूति मिलती है उसकी विशेषता के उस पे ये इलाज किया जाता है। और इन्होंने बताया कि ये एक बाजू और एक कंधे से पैरालाइज थे जो कि ये अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं। जो हमारे सामने था वो बिल्कुल चौंका देने वाला था। अब ये चमत्कार था या कुछ और ये समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। तभी हमें लगा कि कहीं इसका वैज्ञानिक कारण तो नहीं, इसके लिए हमने डॉक्टर की भी मदद ली। धार्मिक तौर पर तो हमने इस बुटाटी धाम को जानने की कोशिश की, लेकिन अब बात करते हैं चिकित्सा विज्ञान की। तो उसमें हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राज बहादुर सिंह जी, जो कि पूर्व निदेशक है होम्योपैथी में। तो इनसे बात करते हैं। नमस्कार डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है द नगरी न्यूज़ में। सर जैसा कि हम देख रहे हैं कि मरीज आता है, वो 7 दिन यहाँ पर रुकता है, भभूति दी जाती है, फेरी लगाई जाती है और उसमें मरीज ठीक हो जाता है, तो इसके बारे में चिकित्सा विज्ञान के तौर पे आप क्या कहना चाहेंगे? वैसे तो ये शोध का विषय है। एक्चुअल में क्या है कि पेशेंट आते हैं, ठीक होते हैं। मैं भी यहीं का रहने वाला हूँ, बिल्कुल यहाँ से मेरी पैदाइशी यहीं से है, तो मैं शुरू से देखता हूँ कि यहाँ पेशेंट आते हैं, 6-7 दिन रुकते हैं, फेरी लगाते हैं सुबह शाम, और एट ए टाइम 500-600 पेशेंट पैरालिसिस के रहते हैं, जिसमें डिफरेंट टाइप, चाहे फेशियल हो, चाहे वन साइडेड हो, चाहे डब कोमा में हो, किसी तरह का हर तरह का पेशेंट आता है यहाँ पे। तो वहाँ क्या आने के बाद में पर्टिकुलर एक तो आस्था का स्थल तो है ही, आस्था के हिसाब से लोग सब आते हैं। यहाँ आने के बाद में उनमें ये देखते हैं कि ये पहले दिन ये स्थिति थी, दूसरे दिन ये, तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, ये क्या ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट होता ना पेशेंटों में। तो पेशेंट एक दूसरे पेशेंट को देख के देखता है ये उस दिन ये था तो अपन क्यों नहीं ठीक हो जाएंगे, तो उसमें वो पॉजिटिव आस्पेक्ट समझ लो। तो पॉजिटिव आस्पेक्ट यहाँ पे डेवलप होता है और पॉजिटिविटी से चाहे कोई भी डिजीज हो, इस हिसाब से अगर पॉजिटिव माइंड से या पॉजिटिव एटीट्यूड से कोई भी अपन काम करते, चाहे बिजनेस हो, चाहे डिजीज हो, उस किसी में भी, तो पॉजिटिव एटीट्यूड होता है तो उसमें क्या ऑटोमेटिकली बॉडी आपको सपोर्ट करती है, माइंड आपको सपोर्ट करता है। यूं कहे कि विल पावर एक आपकी आप डेवलप हो जाए, विल पावर स्ट्रांग होती है और विल पावर सारी चीज है, इसी का है, विल पावर का ही खेल है सारा। मेडिसिन तो अपन साथ में हर चीज डिफरेंट टाइप के पैथीज है देते हैं, फिर भी ये एक तरह से होप है, आस्था है, ये बहुत बड़ी चीज है। और फिर यहाँ देखते हैं लोग और
फिर फेरी लगाना, तो फेरी लगाने में एक तरह से फिजियोथेरेपी हो जाती है उनकी, तो वो सुबह शाम मॉर्निंग इवनिंग दोनों टाइम, और फिर वो पेशेंटों को इसी तरह के पेशेंट इसी तरह का माहौल तो वो देखते हैं, तो मेरे को मेन उसी का कारण लगता है, क्योंकि यहाँ आते ही पॉजिटिविटी डेवलप होती है, पॉजिटिव एस्पेक्ट को देखते हुए थी। बाकी तो साइंटिफिक रूप से अगर कहो तो ये तो शोध का विषय है। ये समझना बहुत ही मुश्किल हो रहा था कि मरीज सच में चमत्कार से ठीक हो रहे हैं या फिर इसके पीछे कोई और वजह है, लेकिन इतनी पड़ताल के बाद एक बात तो समझ आ गई कि यहाँ पर आया हुआ हर एक मरीज एक उम्मीद के साथ आता है, और कहते हैं कि उम्मीद और हौसले से बड़ी कोई दवा नहीं होती। लेकिन ये तो हमने भी माना कि यहाँ पर चमत्कार तो है, और वो चमत्कार और कुछ भी नहीं, बुटाटी धाम का माहौल, मरीज की ठीक होने की इच्छा शक्ति और सकारात्मक हौसला ही है। बाबा रो परचो अच्छा है, मन ठीक कर रही। नब्बे से 95% आदमी के इम्प्रूवमेंट देखा गया। उनके बाद में हमारे गांव के ये एक जो सज्जन थे उनको लकवा हुआ, तो उन्होंने यहाँ आके 7 फेरी दी लगातार 7 दिन तक, तो उससे उनको लाभ मिला। मेरा लेफ्ट हैंड और लेफ्ट बाजू काम नहीं करता था, तो इसलिए मेरा बिल्कुल वर्किंग जो है करीबन 95% ओके है।